नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। 24 से 48 घंटे में 5 हत्याओं के बीच कश्मीर में धधक उठा है। कश्मीर में लोगों का विरोध तेज हो चुका है। सड़कों पर उतर गए हैं सिख समुदाय और हिंदू समुदाय के लोग। आतंकियों के खिलाफ खोल दिया है बड़ा मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक को पूरी तरीके से आतंक बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में कैसे सिख और हिंदू समुदाय को वहां से फिर से पलायन करना पड़े, इसको लेकर पूरी तरीके से गोली मारी जा रही है। सिख टीचर की हत्या के बाद सिखों का गुस्सा भड़क पड़ा है। इसके साथ ही एक और टीचर की, हिंदू टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वहां के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ सिखों ने जमकर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 4 घंटे तक आपातकालीन मीटिंग चली है। घंटों मीटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से आतंकियों के सफाई का मास्टर प्लान भी बना दिया है और एक एक्सपर्ट टीम भी भेज दी है। चुन चुन कर हिटलिस्ट तैयार की जाएगी। दरअसल दो नए आतंकी संगठन TRF और UAF के उदय के बाद अब भारतीय सेना को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो मुसीबत इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसे ख़त्म ना कर सके जम्मू कश्मीर में देश की इंडियन आर्मी। लेकिन इस बीच देश भर में जो विरोध का स्वर उठ रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पीपल्स फोरम ने भी विरोध प्रदर्शन कर पीड़ितों के लिए न्याय और पाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग जम्मू कश्मीर में की है। भारत में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने कश्मीर में हो रहे अल्पसंख्यकों की हत्या को लेकर भी पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर डाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे जो बड़ी बात है वो आईडी देखकर, जी हाँ, आतंकियों ने आईडी देखकर गोली मारी थी। यानी अब आप समझिए, जब उसमें हिंदू और सिख नाम लिखा तभी जाकर गोली मारी गई, वरना मुस्लिमों को वो नहीं कुछ कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर है और ये भी एक बड़ा मैसेज देने की बात निकल के आई है। क्योंकि दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो हालात ख़राब हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर शांति की राह पर चले। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंक को फिर से फालने फूलने और खास करके पोषने वालों का जमावड़ा लग गया है। हालांकि सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 48 घंटे में 5 हत्याओं से जम्मू कश्मीर दहल गया है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने घंटों मीटिंग की, आतंकियों के सफाए का मास्टर प्लान भी बन गया। खुफिया ब्यूरो के सीट ऑपरेशन के प्रमुख तपन डोका ने घाटी में आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें सबसे बड़ी बात जो है, जम्मू कश्मीर मासूमों और अल्पसंख्यकों की हत्याओं के खिलाफ बड़े एक्शन के स्पष्ट दिशा निर्देश के बाद केंद्र ने एक काउंटर टेरर एक्सपर्ट टीम भेजी है। ये टीम आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों को घाटी में स्थानीय पुलिस को आतंकवादी हमलों से शामिल पाकिस्तानी समर्थित स्थानीय मॉड्यूल को बेअसर करने में मदद करेगी। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा LET समर्थित आतंकियों के कश्मीरी पंडित, फार्मासिस्ट, एक स्कूल के प्रिंसिपल, एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या करने के बाद गृहमंत्री शाह ने गुरुवार को कश्मीर पर 5 घंटे की मैराथन बैठक की। अमित शाह ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़े निर्देश दिए। खुफिया ब्यूरो की सिटी ऑपरेशन के प्रमुख तपन डेका आज घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई की व्यक्तिगत रूप से निगरानी भी करने गए। वहीं अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की सिटी टीमें पहले ही कश्मीर पहुँच चुकी हैं। हमले में ऐसे समय में हुए जब भारतीय भीतरी इलाकों से पर्यटक घाटी में आ रहे थे। सभी होटलों में 70% लोगों की भीड़ उमड़ रही है और श्रीनगर आर्थिक गतिविधियों से गुलजार है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस बीच अमित शाह ने साफ साफ एक्शन की जहां एक तरफ चेताया है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पाल पोस रहा है और ऐसे में पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार से मांग की गई है। इतना ही नहीं, जहां हजारों सिख और हिंदू सड़कों पर कश्मीर में उतरे, तो वहीं देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीर में ही निर्मम हत्याओं के विरोध में वकीलों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में काम स्थगित रखा और आतंकियों के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने बड़ी मुहिम छेड़ी। वकीलों ने आतंकियों के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया और उसका नेतृत्व भी किया गया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई तेज हो रही है। इस बीच अगली अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीपल्स फोरम ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों के लिए न्याय, पाकिस्तान खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज की गई।
दरअसल कश्मीरी हिंदुओं को आतंकी बना रहे हैं निशाना। इस बीच वहाँ पे पीपल्स फोरम नाम के एक संस्था ने जोरदार विरोध किया है, आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि बड़े पैमाने पर लोग राष्ट्रीय ध्वज और नारों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर कश्मीर के उतरे। इस दौरान रिपब्लिक मीडिया ने नेटवर्क के कई पदाधिकारियों से बातचीत की। प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के लिए न्याय और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादियों को प्रायोजित करने का दावा करने वाले पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। और इससे पहले शिवसेना ने भी कश्मीर इकाई डोंगरा फ्रंट और कश्मीरी पंडितों के संगठन ने नागरिकों की हत्या पर विरोध प्रदर्शन किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने कश्मीर में हो रही अल्पसंख्यकों की हत्याओं को लेकर पाकिस्तान का पुतला फूंका, तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दरअसल देश भर में जो विरोध चल रहा है, विरोध का स्वर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला फूंकते ही तत्काल पाकिस्तान पर एक्शन लेने की। लेकिन दोस्तों जो हमला हुआ है, आपको बता दें, नई कार से स्कूल पहुंचे थे प्रिंसिपल और टीचर के दिल में बसता था श्रीनगर और आतंकियों ने आईडी देखकर गोली मारी थी। ये जो खबरें निकल के आ रही काफ़ी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें पहले आतंकी आए हाथों में पिस्टल लिए थे, यानी जेब पिस्टल रखे हुए थे। उन्होंने आईडी देखी बाकायदा और एक तरीके से देखने के बाद दोनों को गोली मार दी गई। ये अपने आप में आतंकियों के नए स्टाइल है, क्योंकि अभी तक AK-47 से गोलियां चलाते थे दूर से, लेकिन अब पास जा कर के धर्म देख कर के गोली मार दी जा रही है, जो कि अपने आप में भी ये बहुत खतरनाक है। फिलहाल दोस्तों आप भी देखिए कैसे सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं।